अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्तान। अभी तो मुल्तान से बाहर आ चुके हैं, काफ़ी अरसे से मॉर्निंग राइड प्लान नहीं की थी, तो आज मॉर्निंग राइड के लिए निकले हैं। लेकिन एक शॉर्ट राइड है, इतनी अर्ली मॉर्निंग में इसलिए निकला हूँ क्योंकि दिन के टाइम जो गर्मी पड़ रही है तो दिन में निकलना तो नामुमकिन है। और अभी जा कहाँ रहे हैं वो बताता हूँ। आज हम एक डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि यहाँ से आलमोस्ट कोई 25 से 30 किलोमीटर है। ये जो बाइक है ये डेजर्ट के लिए बनी नहीं है, क्योंकि बाइक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो डेजर्ट के लिए होती हैं वो ट्रेल बाइक्स होती हैं और दूसरी एडवेंचर टूर, और ये बाइक उन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती। तो आज हम डेजर्ट में जाके देखेंगे कि ये बाइक वहाँ कैसा परफॉर्म करती है, जो कि मुझे पता है बहुत ही बुरा परफॉर्म करने वाली है, लेकिन फिर भी हम इसे ले जाएंगे अंदर। मैं 5 बजे इसीलिए निकला हूँ क्योंकि 8-9 बजे के बाद जो गर्मी बढ़ जाती है, अगर सिर्फ गर्मी हो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन साथ में जो नमी होती है उसमें राइड नहीं होती, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता राइड का। तो इसीलिए आजकल राइड थोड़ी कम की हुई है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने एक और रोड ट्रिप पर निकलेंगे, मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। यार ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, मैं जब मुल्तान रहता था और मौसम जब अच्छा होता था तो दोस्तों के साथ हम लोग मोस्टली इधर ही आते थे। मुझे याद है एक दो अब बचपन में तब ये ब्रिज नहीं बना था तो तब हम लोग आए थे और यहाँ पर बोट्स चलती थी उस किनारे से इस किनारे तक, लेकिन तब मैं आई थिंक जस्ट एक दफ़ा इस साइड पर आया था। यार उस तरफ सूरज निकल रहा है और क्या खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। एक सेकंड, चेक करें क्या खूबसूरत मंजर है। अर्ली मॉर्निंग आने का सबसे बड़ा मज़ा यही होता है कि इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये है जी हेड मोहम्मद, वैसे पीछे हेड मोहम्मद वाला लिखा हुआ था, अब मुझे नहीं पता कि हेड मोहम्मद नाम है या हेड मोहम्मद वाला। आज क्योंकि लॉन्ग राइड नहीं थी तो इसी वजह से आज मैंने जैकेट भी नहीं पहनी, और अभी सुबह सुबह ग्रीनरी की वजह से यहाँ पर जो ठंडी हवा आके लग रही है क्या ही मज़ा आ रहा है। और जैकेट मैंने इस वजह से भी नहीं पहनी क्योंकि हम जा रहे हैं डेजर्ट में, तो अगर गिरेंगे भी सही तो कोई ज़्यादा चोट वोट लगने का डर नहीं है, जैकेट के बिना भी आज काम चल सकता है। ये हम आ गए डेजर्ट में,
अच्छा यार, रेत में वैसे तो ठीक चल जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी भी चढ़ाई आ जाए वहाँ इसकी मौत वाक़ हो जाती है। यहाँ से ट्राई करते हैं। एक जगह से ऊपर तो मैं ले आया हूँ किसी तरह भी। अब वापसी पर बाइक की क्लच प्लेट्स ख़त्म हो चुकी हुई तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ऊपर ले आया हूँ। अभी थोड़ा और डीप चलते हैं, चेक तो करना है आज इसे क्या कैपेबिलिटी है इसकी, आज ये देखनी है। ये अगर यहाँ पर स्टक हुई ना तो कोई है ही नहीं जो आके निकलवाए। चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। सब करने की इसकी कैपेबिलिटीज नहीं है। ये हरकतें करेंगे तो ये तो होगा, अब उठा के ही बाहर निकालनी पड़ेगी। किसी स्टैंड पर नहीं लगी हुई, ऐसे ही रेत के अंदर धंसी हुई है।
इस तरह के रास्ते पर फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर हाइट आ जाए और साथ में रेत भी हो फिर इसका काम नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप डेजर्ट में बाइक चलाएं या कहीं ऑफ रोडिंग करें, वहाँ पर इतना इंसान थक क्यों जाता है? बेचारी सारी मेहनत तो बाइक कर दी है, हम क्यों थक जाते हैं? सुबह में चाय पी कर निकला था और अभी प्यास लग रही है, अभी हेड मोहम्मद जाकर वहाँ रुकते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। से नीचे जाना चाहिए क्या? चलते हैं यार, वो बाइक भी तो गई हुई है। सीरियसली बताऊं, मुझे ना पहाड़ों से सही मोहब्बत है, तो इसी वजह से मोस्टली घूमने फिरने के लिए मैं पहाड़ों की तरफ ही जाता हूँ। पहाड़ों में जो मज़ा और सुकून है वो कहीं नहीं है, तो यही वजह है कि मैं जब मुल्तान आता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा मैं घूमता फिरता नहीं हूँ। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है सुजुकी GS 150 पर मैंने कोई राइड नहीं की। अगर नेक्स्ट मेरा कोई प्लान अगर बनता है, मैं अभी मुल्तान आया हूँ कुछ दिन के लिए, तो अगर मेरा नेक्स्ट कोई प्लान बनता है तो वहाँ GS 150 लेके चलेंगे। तो ये थी आज हमारी एक छोटी सी राइड, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।